Yo, what is up, people? Again, same time, different day, same topic. Like, मेरे को सही सही बताओ, कौन कौन लोग हिंदुस्तानी भाव के रिप्लाई का वेट कर रहे थे ऑन दैट कॉल नोट जो आमिर सिद्दीकी का मैंने कल आपको बताया वीडियो में. लाइक आई न्यू इट दैट द रिप्लाई वुड कम फ्रॉम हिंदुस्तानी भाव साइड. दैट्स वन ऑफ दोज रीजन वाई आई पर्सनली लव, मुझे हिंदुस्तानी भाव इसलिए पसंद है क्योंकि बंदा ये नहीं देखता है सामने वाला कौन है क्या है. इफ दैट गाय इज रॉन्ग, सामने वाला रॉन्ग है, तो बंदा लिटरली खड़ा होता है. एंड द वे हिंदुस्तानी भाव कैरी मिनाटी के सपोर्ट में खड़े हैं, जिस हिसाब से वो सपोर्ट दिखा रहे हैं, एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे कैरी मिनाटी को, सपोर्ट दिखा रहे कि भाई तू टच करके बता, तू पूरी पलटन ले आ. उन्होंने जो वीडियो में बातें कही है सीधा मतलब ये कहते हैं ना गैंगस्टर टाइप, ब्रो तू करके बता, उस टाइप का. मैंने वीडियो देखा, मुझे लाइक बहुत तगड़ा लगा ब्रो. आई वॉज वेटिंग फॉर हिंदुस्तानी भाव. कभी कभी लगता है कि काश मैं भी उनकी तरह अपने यूट्यूब पे वीडियो बना के पूरा दिल की बात खोल के गाली दे के दे पाता, बट यू नो देयर आर समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल. इसलिए कुछ अलग से लोग है जो ये काम करते हैं, तो मैं तुम लोग को ये वीडियो दिखा देता, उसके बाद ये वीडियो से रिलेटेड बात करते हैं. जय हिंद दोस्तों, अभी का वीडियो वो आमिर सिद्दीकी उसके ऊपर, उसका रिकॉर्डिंग अभी मेरे को किसने भेजा, पहला रिकॉर्डिंग, बाद में टपा टप. मतलब आज मेरी बजी है तो तुम लोग मजे ले रहे ना. सही है ले लो मजे ले लो, दोस्त लोग ही है तुम लोग, दोस्त लोग मजे नहीं लेंगे तो कौन लेगा. जोक्स अपार्ट, लेकिन जैसा तुम लोग ने बोले कि वो कैरी है तो भाई कोई भगवान नहीं है, कैरी मिनाटी है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है. 6 साल मेहनत किया है तो आज उसका नाम हुआ है. अपन 1 साल में मेहनत करके इतना है, बट इसकी बहन की चूत अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन. और बाकी रमजान था इसके लिए चुप बैठा था, गाड़ी का कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अब करूंगा मैं रमजान के बाद. जो गाली गलौज करेगा, तेरी गांड कम मारी पब्लिक ने, वो बच्चे को धमकी दे रहा है, हाँ क्या उखाड़ेगा उसका, क्या उखाड़ेगा तू और तेरी सारी फलटन, समझा, तू और तेरी सारी फलटन जो भी तेरे साथ में, समझा सब, और मैं अकेला कैरी के साथ और जितने भी यूट्यूबर है सबके साथ है, मैं एक को भी हाथ लगा के इनका, अगर सच में मत का बच्चा है ना तू, एक को भी हाथ लगा के बता. हाँ ट्रैक रेडी कर रहा हूं ना उसके लिए, तो ये भड़वे को बताऊंगा मैं कि भोसड़ी के तू गाली तो दे रहा है ना, वो गाली में पीएचडी करके बैठे हम लोग ने, तो इसके कान. डिप्लोमा पीएचडी नहीं, डिप्लोमा. कुछ सालों के बाद किताबें आएंगी मेरे नाम से. तो अभी पब्लिक ने तेरी कम मारी है, जो तू चाहता है कि ये पब्लिक भड़क जावे और तेरी पूरी अभी से ही चालू कर दे तेरी मारना. हा तेरे एक के वजह से सबके लौड़े लग गए उधर, जितने भी टिकटॉकर है सबके लौड़े लग गए तेरे एक के वजह से, फिर भी तेरी गांड अभी तक यही मांग रही है, तेरी गांड अभी तक लहसुन ही मांग रही है, तो तेरे गांड में घाटी चटनी डालेंगे पब्लिक. और क्या बोल रहे तू, कान से खून निकाल के इसकी नहीं मां छुदाना, मेरा नाम आमिर. वीडियो में पॉइंट देने ही नहीं वाला हूं ना, सिर्फ गाली दे रहा हूं ना वो भड़वे को, उसको तो ऐसी ऐसी गाली दूंगा ना बंटा है, उसको तो मैं सीधा यही बोलने वाला हूँ, तेरी मां को क्या कुत्ते ने चोदा था क्या, जो तू कुत्ते की तरह भोंकते रहता है यहाँ पे. ये रमजान का महीना है ना रे, रमजान का महीना है ना, इसलिए उसने तेरे को तेरी औकात दिखा दी, इसलिए ना उसने तुझे तेरी औकात दिखा दी, जो तुझे घमंड आया था ना, समझा बेटा, घमंड आया था ना तेरे को, जो तेरे गांड से घमंड निकाल दिया उसने, समझा, तो जब ऊपर वाला देता है ना तो निकालना भी जानता है. और तेरे को जो उखाड़ना है ना उखाड़ लेना, भाऊ उसके साथ है. उसके ही नहीं, जितने भी यूट्यूबर है, जितने भी मेमेज वाले है, इंस्टाग्राम वाले है, सबके साथ मैं, तू क्या उखाड़ता है मेरे को देखने का, समझा.
उखाड़ के बता दू। इधर चुड़िया डाल के बैठे, हाँ चुड़िया डाल के बैठे ले कि तू इसको धमकी उसको धमकी देगा। और शरीफ पना चोदने के लिए वीडियो बनाता है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं वैसा नहीं बोल रहा था, और ऐसा करता है पीठ पीछे। हा उखाड़ के बता जो तेरे गांड में दम है ना। हाथ लगा के बता तू कैरी मिनाटी को। और वीडियो बना उसके ऊपर या किसी के ऊपर भी बना, जवाब मिलेगा तेरे। अच्छी तरीके से जानता है ना नाम हिंदुस्तानी भाऊ, ये नाम ही नहीं ब्रांड है ब्रांड। पीएचडी नहीं, डिप्लोमा से बहुत बड़ा। हा जो उखाड़ने उखाड़ ले लौड़े। So yes, it's been 2 or 3 days we haven't heard anything from Amir's side. Amir का कुछ अभी तक कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया है, ना कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर, ना जो फेक फैक्ट्स उसने बोले उसके ऊपर, ना उसके ऊपर जो उसने एलजीबीटी का जो पूरा घुमा फिरा के किया है, किसी के ऊपर कुछ भी अभी तक नहीं आया है। हिंदुस्तानी भाव ने जो रिप्लाई दिया है ना, मेरे को तो लगता है इसके बाद आमिर जब फोन पे बात करेगा ना किसी से तो 10 बार सोचेगा कि क्या बोलू क्या नहीं बोलू। नहीं तो पता चला वो रिकॉर्डिंग भी उसके उसी के किसी दोस्त ने लाइक वो क्या वायरल कर दी। लेकिन जो भी बोलो, एक बात तो बहुत सही बोली भाव ने कि रमजान का महीना चल रहा है एंड ऊपर वाले ने उसकी घमंड निकाल दी, उसकी औकात दिखा दी। एंड एक और पॉइंट मेरे को बहुत ज्यादा सही लगा भाव का कि एक बंदे की वजह से, आमिर की वजह से पूरे टिकटॉक कम्युनिटी की लग गई है, पूरे टिकटॉक कम्युनिटी की लगी है। इन द सेंस कि ये कैरी भाई की जो वीडियो डाउन हुई है ना, उसकी वजह से हेट्रेड इतना ज्यादा बढ़ चुका है टिकटॉक के लिए। टिकटॉक के लाइक होता है ना कि यार कैसे कर दिया तुम लोगों ने, क्यों किया, उस टाइप का जो एक रेज रहता है, एक फैंस का जो रेज रहता है मेरे अंदर है, भाव के अंदर दिख रहा है बहुत। भाई मिलियंस में फैंस है, करोड़ों में फैंस है भाई अपने कैरी मिनाटी के, तो भाई सीधी सी बात है उस रेज की वजह से लाइक बंदा दब चुका है, खत्म है। अब देखते हैं कब तक क्या रिप्लाई आता है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई कि कब ये बंदा रिप्लाई करे, डिस्क ट्रैक निकाले, डिस्क ट्रैक। आई एम वेटिंग फॉर दिस न्यू टर्म, दिस न्यू टर्मिनोलॉजी इन रैप सीन, डिस्क ट्रैक। एंड लगता है आमिर भूल गया है कि कैरी मिनाटी रैप करता है, एंड जितना अच्छा रोस्ट करता है ना भाई अपना कैरी भाई, उतना अच्छा रैप भी करता है। तो ये डिस्क ट्रैक वाला जो है ना, वो भी भाई मैं तो अभी ये वीडियो देखेगा तो बोल रहा हूँ भाई सोच समझ के निकालियो ये डिस्क ट्रैक वाला मामला ना बेटा, बहुत भारी पड़ जाएगा, नहीं तो उल्टा ही तेरे ऊपर मैं बता रहा हूँ यार। इन शॉर्ट टिकटॉक कम्युनिटी जो पूरा टिकटॉक है, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में सब चाहते हैं बैन हो जाए। आई फील सो कि नाउ दिस इज द राइट टाइम कि अगर ये चीजें होंगी कि यूट्यूबर्स की वीडियोस टेक डाउन होंगी बिना मतलब के, जस्ट ऑन फेक कम्युनिटी गाइडलाइंस, सो एज अ यूट्यूबर आई वुड रियली वॉन्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि यार बस अब टिकटॉक टेक डाउन हो जाए, बंद हो जाए, बैन इन इंडिया। आप लोग के क्या ओपिनियन है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम जस्ट कवरिंग दिस होल कॉन्ट्रोवर्शियल सीन बिकॉज यू पीपल आर सपोर्टिंग इट, यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, आप लोग समझ रहे हैं इसका मोटो, इसका मोटिव क्या है, कौन गलत क्या सही है। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। एंड एक खुशखबरी भी है कि भाई अपने हर्ष भाई, हर्ष बेनीवाल भाई अपना रोस्ट नहीं फ्राई करेंगे भैया जी, फ्राई। एक वीडियो आ रही है टिकटॉक के ऊपर जोकर वाला जो सीन उन्होंने शेयर किया, मैं लिटरली उतना पार्ट देखे मैं पागलों की तरह हंस रहा था कि भाई ये क्या मुंह बना दिया, मतलब लेजिट है भाई बंदा। आई एम वेटिंग फॉर दैट वीडियो। तो लेट्स सी, ये वाला अभी बहुत आगे बढ़ने वाला है, द थिंग्स हैव बीन हीटेड अप, सो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट टू सी इन फ्यूचर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, स्प्रेड लव इन यूट्यूब एंड टू दोज क्रिएटर्स इन टिकटॉक जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, इन लोग को तो हटाओ। तो खैर एंड में जाते आते वही कहूंगा, एंड में कोई कहने नहीं, एंड में जाते मेरे को ये बताओ ये फैजू की वीडियो नंबर वन पे ट्रेंडिंग क्यों कर रही है, मेरे को ये समझ नहीं आया, ये भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, मैं सोचा आप लोग से ही पूछता हूं। आप लोग कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है क्यों उसकी वीडियो ट्रेंड नंबर वन पे, मोस्ट डिसलाइक वीडियो। और अपने जो टेक्निकल गुरुजी साहब जो है जिनकी एंगेजमेंट एंगेजमेंट काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है फेसबुक के वीडियो से, लाइक्स डिसलाइक रेशियो कॉमेंट्स के हिसाब से उनकी ट्रेंडिंग पे नहीं है,
आई डोंट नो व्हाट इज यूट्यूब डूइंग, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो एंड में आते वही कहूंगा कि कीप लविंग कीप सपोर्टिंग मी एंड द यूट्यूबर्स हु आर वर्किंग हार्ड टू कवर ऑल दिस कॉन्ट्रोवर्सी। आई लव यू ऑल, स्टे सेफ, गुड नाइट।